नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जोहार। आप इसी से समझ सकते हैं कि मधुरपुर का चुनाव कितना अहमियत रखता है। जो पूर्व विधायक चुन्ना सिंह दिल्ली में थे उनको मधुपुर वापस बुला लिया जाता है। बाबूलाल जी कह रहे हैं चुन्ना सिंह हमारे मित्र हैं, कभी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करेंगे इसलिए तो मैं कुतुब मीनार से कूदने की बात नहीं कहूँगा और न ही मैं कभी ये सोचूंगा कि ऐसा भी होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉट 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 डॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने जबान और अपने वसूल का, जहाँ रहो ढंग से रहो, नहीं तो नहीं रहो। आप तो अभी कहीं नहीं हैं, लेकिन आप का एक्शन ऐसा है कि आप कांग्रेसी हो चुके हैं। सब आपको डिक्लेयर करके चल रहा है कि चुन्ना बाबू हमारे आदमी, आपको घुमाया जा रहा है। सारठ से ही नहीं, सारठ के पास आसपास जो इलाका सटा हुआ वहाँ ही नहीं, हर जगह रणधीर सिंह की काट आप में खोजी जा रही है। एक बात कहें, जो व्यक्ति मेरे सामने मेरी उंगलियों को पकड़ के खड़ा हुआ उसकी बात और उसकी तुलना आप कर दिए तो यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा, ईगो तो नहीं है लेकिन महसूस किया कि आप लोगों की समझदारी में भी तफरका हो जाता है क्या? कई बार तो शिक्षक शिक्षा देते हैं लेकिन छात्र को इतना आशीर्वाद दे देते कि वो आईएएस हो जाता है। देखिए आईएएस हो जाता है, गुरु गुरु रहता है। देखिए दो रिश्ता, माँ का रिश्ता और गुरु का रिश्ता अटूट है। लोग नहीं माने वो बेवकूफ। लेकिन आपके जो शिष्य हैं रणधीर सिंह जी, अगर आप ही की भाषा में बात करें, क्यों रहे हैं शिष्य कोई, उनको आपने राजनीति सिखाया, वो आपको देखकर राजनीति के लिए प्रेरित हुए। उंगली पकड़ के अभी भी वो 10 जगहों पे यही पूछता है और कहता है हम क्यों रसकोम छिए। अरे गाछ नीम का बहुत तीता होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है और महुआ बहुत मीठा होता है। एक जगह वो बहुत फायदेमंद भी है, दूसरे जगह लुढ़का भी देता है। तो आप तुलना किससे किसकी कीजिएगा, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। एक तो बात समझ में आ गया कि चुन्ना सिंह घूम रहे हैं अगर किसी के पक्ष में तो जाहिर सी बात है उनका इम्पोर्टेंस है, तभी उनको दिल्ली से रांची लाया गया, मधुपुर लाया गया। लेकिन क्या चुन्ना सिंह इस बात को पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ हफीजुल जी 2 तारीख के बाद भी मंत्री बने रहेंगे? मैं 201% कह रहा हूँ कि हफीजुल जी मंत्री थे, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात लोगों के भ्रम और धोखा की, तो अभी जो ये NDA वाले लोग, पार्टी का नाम लीजिए तो भाजपा वाले लोग झूठी ताल मात्रा दिए चले जा रहे हैं, वो खुद कहे ना कि जिस कैंडिडेट को वो बैठाए जो मंत्री थे उनके क्या गलती थी, क्या कसूर था कि उनको टिकट नहीं दिया। तो बोल रहे हैं पैसे पर अगर बिकती है भाजपा भी, जो साबित हो गया, तो अब इसके आगे कुछ नहीं कहना है। हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी हो बात। आपके इसी बात से गुस्सा जा रहे हैं ये निशिकांत दुबे जी, कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं लिया गया और क्या सबूत है बिना किसी आरोप के। अब चुन्ना सिंह जैसे आदमी भी बोलेंगे, क्या गुस्साएंगे जिसका अपना कोई धरातल नहीं। अमेरिका का आदमी इंग्लैंड में आके हाँ हाँ करते हैं, अगली बार देख लेंगे उनकी भी क्या दशा होगी। तो इसलिए कि वो जिस तरह से लोगों को यूज एंड थ्रू कर रहे हैं, टीम चेंज कर करके अपना खरीदारी दिखा देते हैं, नहीं चली, कितने दिनों तक चली। तो कहते हैं पहला बार जीते 90,000, दूसरा बार 1,80,000, तीसरा 3,60,000, फिर 6,00,000 लाए। बोले जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वो समय बताएगा। चुन्ना जी एक बात और है, यहाँ पे जो प्रचार हो रहा है वो धर्म जाति देश विदेश मुल्कों की बात हो रही है, मुद्दों की बात में भी कई बार नहीं हो रही,
लेकिन अब तो मुद्दा आ रहा है कि कोरोना में वर्तमान सरकार नहीं अच्छा कर पा रही, कोई आपके तरफ से कोई सजेशंस दिया गया? कौन कहता है कि नहीं अच्छा कर पा रही है? दीपक प्रकाश कह रहे हैं, जिसका कोई और छोर नहीं हो उनको क्या पता है व्हाट इज कोरोना एंड व्हाट इज मेडिकल साइंस। इसलिए मैं क्या कहूँ, देखिए कोरोना केवल आपके झारखंड और हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में ये कड़ाके की धूप की तरह है। तो इसमें जहाँ तक बन पा रही है सरकार से कर रही है, इसमें कोई दोहरा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, लेकिन आखिर एट ए टाइम कितने लोगों को एक साथ आप दुरुस्त कर सकते हैं? लेकिन रफ्तार तो अच्छी है। इसमें कमेंट करने के लिए जबान पे तो किसी का लगाम कोई लगा नहीं सकता है, कमेंट करना अलग चीज़ है, लेकिन हर तरह से बहुत मजबूती से काम हो रहा है, मेडिकल साइंस से भी और जितने भी एनजीओज हैं और जिस जिस को सरकार ने जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी दे रखी है, वो सारे लोग अपने ढंग से अपने रंग में अच्छा काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या ये हाजी साहब का प्यार है आप लोगों के साथ जो आपको खींच कर ले आया, या आपको लगा कि नहीं जब सत्ता पक्ष के तरफ से बुलावा आए तो हमको जाना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने परिवार के ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया हुआ था, जब हालत सुधरी तो फिर मैं आया। और रही बात, देखिए राजनीति करता हूँ तो राजनीति करने में अपने अपने ढंग का रंग जो चढ़ाता है आदमी, तो उससे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। जब जिस तरह से भी रहो, जहाँ रहो दुरुस्त रहो। और रही बात, आपने पहले कहा जाति धर्म की बात विवाद, वैसी कोई बात नहीं है। आज हमको एक चीज़ बताइए कि हर जगह अगर हम राम को ही बदनाम करें, हर जगह हम धर्म की ही बात करें, तो धर्म क्या भाजपा वालों के जिम्मेदारी है, सॉरी जमाबंदी है क्या? हम लोग क्या हिंदू नहीं हैं? हम लोगों के पास धर्म नहीं है? लेकिन हाँ ये है कि ऑल आर इक्वल, किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दें, सबका मान बराबर है वाली बात होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, ये कहना है। तो पूर्व विधायक हैं और दावा कर रहे हैं, और वाकई में इनके आसपास जो समर्थकों का भीड़ रहता है आप उसको देखेंगे तो इनके आने से जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष में उत्साह आया है। लेकिन इन सब के इतर बीजेपी ये कह रही है कि चुन्ना जी पूरा ताकत भी लगा लेंगे तो इस बार हफीजुल जी 2 तारीख के बाद मंत्री नहीं बने रहेंगे, जबकि चुन्ना जी जो सारठ में पूर्व विधायक थे और यहाँ एक मधुपुर में अच्छी पकड़ रहते हैं, वो कह रहे हैं 100% हफीजुल जी मंत्री बने रहेंगे। जनता को तय करना है कि वो किन की बातों पर ज़्यादा यकीन करती है। शुक्रिया।